नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। आज मैं अरुणेंद्र सिंह चौहान इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बेसिक्स थर्मोडायनेमिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एग्जाम्पल के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करूँगा। आप इस टॉपिक की PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आइए सीधे चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की ओर। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम लोग जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों स्टेटमेंट यानी कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी को हम लोग जानेंगे। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन जीरोथ लॉ, और लास्ट में हम लोग जानेंगे PMM1, PMM2 एंड PMM3 के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री को हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सन 1824 में साइंटिस्ट निकोलस कॉनर जी ने कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क को ऑब्जर्व किया था। मतलब कॉनर जी ने यह देखा था कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कॉनर जी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद सन 1840 में यानी कि 1840 में साइंटिस्ट जर्मेन हेस ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया, लेकिन उन्होंने इस लॉ का प्रयोग केवल केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बैलेंस को एक्सप्लेन करने के लिए किया था। इसके बाद सन 1850 में इसी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को साइंटिस्ट रुडोल्फ क्लॉसियस और साइंटिस्ट विलियम थॉमसन रैंकाइन जी ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया। परंतु फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिमिटेशंस की वजह से सन 1850 में ही साइंटिस्ट रुडोल्फ क्लॉसियस और साइंटिस्ट विलियम थॉमसन रैंकाइन जी ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया। इसके बाद सन 1912 में साइंटिस्ट वॉल्टर नेश ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया, और उसके बाद सन 1935 में साइंटिस्ट अर्नॉल्ड सोमरफील्ड और साइंटिस्ट राल्फ एच फ्लावर ने जीरोथ लॉ दिया। तो ये था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री। अब आगे चलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर। ओके, तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि सन 1850 में साइंटिस्ट रुडोल्फ क्लॉसियस और साइंटिस्ट विलियम थॉमसन रैंकाइन जी ने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया। मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, विच मींस दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, विच स्टेट्स दैट द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड इंटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल और केवल एनर्जी को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हीट एनर्जी को हम लोग वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वर्क एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लिमिटेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी लाइक लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी के क्वालिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है कि एनर्जी किस प्रकार की होती है और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। सेकेंड लिमिटेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट इंडिकेट और एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो के डायरेक्शन को भी फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड लिमिटेशन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट।
मींस फर्स्ट लॉ प्रोसेस को भी डिफाइन नहीं करता है कि हीट एनर्जी अगर वर्क एनर्जी में चेंज हो रही है या वर्क एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो किस प्रोसेस से हो रही है। तो फर्स्ट लॉ ये तीनों ही पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करता है। दीज एबव लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गेव द बर्थ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जन्म हुआ। आइए चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटी ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी। अब बात करते हैं लो ग्रेड एनर्जी की। तो लो ग्रेड एनर्जी इज दैट एनर्जी इन विच अनअवेलेबल एनर्जी इज प्रेजेंट। अब अनअवेलेबल एनर्जी प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि उस एनर्जी को हम लोग कंप्लीटली दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। नाउ अब बात करते हैं हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी की। तो हाई ग्रेड एनर्जी इज दैट एनर्जी इन विच अनअवेलेबल एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट। अनअवेलेबल एनर्जी के प्रेजेंट ना होने के का मतलब क्या है कि वो उस एनर्जी को हम लोग किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वर्क एनर्जी। यानी कि वर्क एनर्जी को हम लोग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हीट एनर्जी को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और वी कैन से हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अगर हमें उल्टा हीट फ्लो कराना है, यानी कि कूल बॉडी से लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट फ्लो कराना है, तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा। विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स वी कैन नॉट फ्लो द हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशंस की। आइए चलते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी आर नॉट कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लो ग्रेड एनर्जी को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोग हीट को वर्क में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्क जो है आपकी वर्क एनर्जी जो है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो वर्क एनर्जी कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट एनर्जी, बट हीट एनर्जी कैन नॉट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू द वर्क एनर्जी। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो स्टेट्स दैट विदाउट एनी एक्सटर्नल मीन्स फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज नॉट पॉसिबल। जैसा कि मैंने बताया कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी फ्लो करती है। अगर हमें लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो करानी है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सप्लाई करनी पड़ेगी। विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स वी कैन नॉट ट्रांसफर द हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू डेफिनेशन देर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट वन इज केल्विन प्लांक एंड सेकेंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये दोनों ही स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन दोनों ही स्टेटमेंट को रटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ही इन स्टेटमेंट्स को भूल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इन दोनों ही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपसे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट या फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपको माइंड में बना लेना है। इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाले ब्लॉक को हम लोग हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बोलते हैं और नीचे वाले ब्लॉक को हम लोग लो टेम्परेचर रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, अब बात करें बीच के सर्किल की। तो बीच के सर्किल को हम लोग डिवाइस के तौर पर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट यानी कि केल्विन प्लांक जी ने इंजन के लिए ये स्टेटमेंट दिया था और क्लॉसियस जी ने पंप एंड रेफ्रिजरेटर के लिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब बात करें इंजन की यानी कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की। तो आपको याद रखना है कि इंजन का काम क्या है, इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है और वर्क प्रोड्यूस करता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट एनर्जी को हम लोग कंप्लीटली वर्क एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हैं।
जब हम लोग हीट एनर्जी को कंप्लीटली वर्क एनर्जी में चेंज नहीं करते सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम हीट एनर्जी से वर्क एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हीट एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो केल्विन प्लैंक जी क्या कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट सच इंजन विच ऑपरेट इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस वर्क एनर्जी बाय कंज्यूमिंग हीट एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी टू द अनदर रिजर्वायर, विदाउट लॉस ऑफ हीट टू द अनदर रिजर्वायर मीन्स क्यू टू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा, कुछ ना कुछ हीट जो होगी वो सेकेंड रिजर्वायर यानी कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर में जरूर ट्रांसफर होगी। बिना लो टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर हुए कंप्लीटली हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, ये केल्विन प्लैंक जी ने कहा था। तो आपको याद रखना है कि केल्विन प्लैंक जी ने हीट इंजन के लिए स्टेटमेंट दिया था और हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है और वर्क प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हीट एनर्जी कंप्लीटली वर्क एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, इसलिए केल्विन प्लैंक जी कहते हैं कि बिना दूसरे रिजर्वायर को हीट ट्रांसफर हुए कंप्लीटली वर्क एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की तरफ। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट पंप या रेफ्रिजरेटर के लिए दिया गया है और पंप और रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, जो हीट है आपकी वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होती है। हीट हमेशा लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर होती है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि बिना एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के सप्लाई के हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में ही ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्लॉसियस जी वही कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट सच अ डिवाइस विच ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड ट्रांसफॉर्म हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट एनी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल वर्क एनर्जी। यानी कि बिना वर्क एनर्जी दिए हुए हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस। चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं। तो केल्विन प्लैंक जी क्या कहते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन विच ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस नेट वर्क डन बाय यूजिंग ओनली अ सिंगल थर्मल रिजर्वायर विदाउट रिलीजिंग हीट टू द अनदर थर्मल रिजर्वायर। बिना दूसरे रिजर्वायर को हीट रिलीज किए हुए कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ हीट का लॉस जरूर होगा। ठीक है, अगर हीट लॉस नहीं होगा यानी कि Q2 अगर जीरो हुआ तो आपकी इफिशंसी क्या हो जाएगी, इफिशंसी इसको लेता है W यानी कि वर्क डन अपॉन हीट इनपुट यानी कि Q1। अब अगर Q2 जीरो हो जाएगा तो आपका W इक्वल टू Q1 हो जाएगा। अगर W इक्वल टू Q1 हो जाएगा तो इफिशंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इफिशंसी 1 का मतलब 100% इफिशंसी, और किसी भी डिवाइस की इफिशंसी 100% नहीं हो सकती एक्सेप्ट दैट कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के अलावा किसी और इंजन की इफिशंसी 100% नहीं हो सकती, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। ओके, विच मीन्स दैट हीट इंजन विथ सिंगल थर्मल रिजर्वायर इज नॉट पॉसिबल। आपको ये एक सिंगल लाइन अगर आपको याद है तब भी चल जाएगा कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि हीट इंजन विथ सिंगल थर्मल रिजर्वायर इज नॉट पॉसिबल, हमें दूसरा रिजर्वायर यूज जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये है एक्चुअल हीट इंजन। ये क्या है, एक्चुअल हीट इंजन प्रोड्यूसिंग नेटवर्क इन साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, हमने Q1 हीट लिया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से और W वर्क प्रोड्यूस किया, और Q2 जो हीट होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, यानी कि Q2 एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, Q1 माइनस Q2। Q1 लिया, Q2 रिजेक्ट हो गया, तो Q1 में से Q2 घटा देंगे तो W यानी इतना नेटवर्क प्रोड्यूस हुआ। तो इफिशंसी क्या हो जाएगी, इफिशंसी होता है नेटवर्क अपॉन हीट इनपुट। नेटवर्क कितना किया गया, Q1 माइनस Q2, हीट इनपुट कितना हुआ, Q1। तो ये हो जाएगी इफिशंसी का फॉर्मूला, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, अब बात करते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा, क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस
which operates in a cycle and transform heat energy from low temperature reservoir to high temperature reservoir without any external energy. Okay, ये है refrigerator और pump का diagram, ठीक है ना? Work energy supply करके हम low temperature reservoir से high temperature reservoir में heat transform कर सकते हैं, ये Clausius statement कहता है. ओके, अब आते हैं क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं. इसे प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी दिया था. तो क्या है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट? तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी which states that entropy of an isolated system can never decrease, it always increase or remain same only in case of reversible adiabatic process ke hi case mein isolated system ki entropy same rahegi, otherwise isolated system ki entropy hamesha increase karegi. Ye quantitative statement of second law of thermodynamics kehta hai. इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीएस ऑफ यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू बाई टी. यानी कि या तो एंट्रोपी इक्वल टू डी क्यू बाई टी की होगी, यानी कि सेम होगी या तो एंट्रोपी, या फिर हमेशा इंक्रीज करेगी. किसकी? आइसोलेटेड सिस्टम की. ठीक है, तो आपको याद रखना है एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज, इट ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन सेम ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. दिस इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. चलिए अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी. ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसीजर टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम अप टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक रिड्यूस नहीं कर सकते. इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. यानी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग एब्सोल्यूट जीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते. और जब हम लोग किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती. क्योंकि एंट्रोपी जीरो कब होगी? जब टेम्परेचर कितना होगा? -273 एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? जीरो केल्विन. ठीक है ना, तो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो कब होगी? जब टेम्परेचर कितना होगा? एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि -273. और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का क्रिएट करना इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते इतना जीरो. ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि इट दिस मीन्स दैट एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जीरोथ लॉ की तरफ. तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? तो जीरोथ लॉ स्टेट दैट इफ वी एज्यूम देर आर थ्री बॉडी, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, एंड व्हेन बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी बी, बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी बी, एंड आल्सो बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी सी, यानी कि बॉडी ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बॉडी ए सी के साथ भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि बी और सी दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. बॉडी बी एंड बॉडी सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ये उसी प्रकार से है जैसे कि अगर ए इज इक्वल टू बी है और ए इज इक्वल टू सी है, तो बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे. ओके, तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इट स्टेट्स दैट इफ Assume there are three bodies, body A, B and C. When body A is in thermal equilibrium with the body B and body A is also in thermal equilibrium with the body C,
then body B and body C will also be in thermal equilibrium with each other. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आता है टॉपिक PMM1, जिसका फुल फॉर्म है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. तो आइए जान लेते हैं PMM1 क्या है. सो इट इज़ अ वॉयलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज़ अ हाइपोथेटिकल डिवाइस. इट इज़ ओनली अ हाइपोथेटिकल डिवाइस, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल डिवाइस. ओके, चलिए डेफिनेशन जान लेते हैं. तो PMM1 इज सच अ डिवाइस विच वुड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क विदाउट डिसअपेयरिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब बिना किसी दूसरी एनर्जी को डिसअपेयर किए हुए, यानी कि यूज किए हुए, जो डिवाइस कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर दे उसे PMM1 कहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना. एक और डेफिनेशन है, PMM1 इज सच अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस यूजफुल मैकेनिकल वर्क विदाउट यूजिंग एनी हीट सोर्स. बिना हीट सोर्स को यूज किए बिना जो डिवाइस कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर दे उसे PMM1 कहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है बना पाना. क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट एनर्जी को हम लोग वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि अगर हमें वर्क एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हीट एनर्जी चाहिए, और अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो वर्क एनर्जी चाहिए. यानी कि एक एनर्जी चाहिए अगर हमें दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो. जबकि PMM1 क्या कहता है कि बिना हीट एनर्जी को कंज्यूम किए हुए जो डिवाइस मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर दे उसे हम लोग PMM1 कहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है. इट इज़ ओनली अ हाइपोथेटिकल डिवाइस. चलिए आगे बढ़े. तो PMM2 अब आता है. PMM2 तो PMM2 का फुल फॉर्म है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड. इट इज़ वॉयलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज़ आल्सो अ हाइपोथेटिकल मशीन. इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल डिवाइस, नॉट अ प्रैक्टिकल मशीन. ओके, PMM2 is such a device which transforms total heat energy taken from a source reservoir into work energy without losing the energy into the other reservoir. मतलब PMM2 वो डिवाइस है जो दूसरे रिजर्वायर को हीट लॉस किए बिना केवल सिंगल रिजर्वायर से हीट लेकर के कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर दे उसे बोलते हैं PMM2, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है. ओके, यह है PMM2, जो केवल क्या कर एक थर्मल रिजर्वायर से हीट ले रहा और कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है बिना किसी दूसरे रिजर्वायर को हीट लॉस किए हुए. यानी कि Q2 यहाँ पे जीरो रहेगा, यानी कि दूसरे रिजर्वायर को कोई हीट लॉस नहीं होगी. जितनी हीट ये थर्मल रिजर्वायर से लेगा उतना ही वो वर्क प्रोड्यूस करेगा. उसे बोलते हैं हम लोग PMM2, जो कि इम्पॉसिबल है बनाना. इट इज़ ओनली अ हाइपोथेटिकल मशीन और डिवाइस. चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PMM3, यानी कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड 3, यानी कि थर्ड काइंड. ओके, तो PMM3 इज वॉयलेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट इज आल्सो अ हाइपोथेटिकल मशीन. ये भी एक हाइपोथेटिकल मशीन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो इसके लिए हमें पहले थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखना है. तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती. एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, पर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, और इसको वॉयलेट करना है. इसका मतलब क्या है कि PMM3 वो डिवाइस है जिसकी एंट्रोपी जीरो हो. और एंट्रोपी जीरो कब होगी, जब सिस्टम क्या हो, रिवर्सिबल हो, यानी कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो. जिस सिस्टम में फ्रिक्शन ना हो उस सिस्टम की एंट्रोपी जीरो होगी, क्योंकि एंट्रोपी तभी बढ़ती है जब हीट लॉस होता है. और हीट लॉस किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा. ठीक है ना. तो PMM3 क्या है, तो PMM3 देखिए क्या है, द कंटिन्यूस मोशन ऑफ अ डिवाइस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इज इम्पॉसिबल एंड सच डिवाइस इज नोन एज द PMM3. वो डिवाइस जो बिना फ्रिक्शन के कंटिन्यूसली वर्क करता रहे उसे बोलते हैं PMM3. PMM3 किसे बोलते हैं, जो फ्रिक्शन की एब्सेंस में कंटिन्यूसली वर्क करता रहे, कंटिन्यूसली मोशन करता रहे, उस मशीन को, उस डिवाइस को PMM3 कहते हैं. और जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हीट लॉस होगा ही नहीं. और हीट लॉस नहीं होगा तो एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा, एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगी. ठीक है ना. तो ये था PMM3. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे.